नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज वेट गुरुजी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं में उपयोग होने वाले इनोलॉन लिक्विड के बारे में। इसका उपयोग पशुओं में किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसकी कितनी डोज देनी है, ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वेट गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और पास में बने घंटे के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेवे ताकि भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इनोलॉन एक डबल स्ट्रेंथ लिक्विड है। दोस्तों ये एक कंप्लीट यूटेराइन केयर के लिए साइंटिफिक टॉनिक है। दोस्तों इनोलॉन नेचुरल रेमेडीज कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। दोस्तों इनोलॉन की पैकिंग की बात करें तो ये 5 लीटर, 1 लीटर और 500 ml की पैकिंग में मिलता है। दोस्तों इसकी 5 लीटर की MRP की बात करें तो 1200 रुपये 5 लीटर की MRP है, 1 लीटर की MRP 300 रुपये है और 500 ml की MRP 170 रुपये है, जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है और सस्ती है। दोस्तों इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है और ये दूसरे जो प्रोडक्ट है उनसे सस्ता भी मिलता है। दोस्तों इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग, दोस्तों ये एक यूटराइन टॉनिक है, इसका उपयोग पशुओं में जहर गिराने में किया जाता है और बच्चेदानी की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पशु के ब्याने के तुरंत बाद इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जल्द जहर गिराने में मदद करता है और पशु की जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसको पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये एक यूटराइन टॉनिक है और ये बच्चेदानी की सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप जहर न गिरने की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो दोस्तों ये आसानी से जहर गिराने में मदद करता है और ये बच्चेदानी की सफाई करता है। दोस्तों अगर हाथ से आप जहर डाल रहे हो तो उसमें भी मदद करता है, और अगर कई बार क्या होता है दोस्तों कि हाथ से जहर डालते समय कुछ जहर का हिस्सा रह जाता है तो उस कंडीशन में इनोलॉन का इस्तेमाल करने से बच्चेदानी की पूर्ण रूप से सफाई हो जाती है और पशु को कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों जहर अटकने के बहुत सारे कारण होते हैं और पशु के जब जहर अटक जाती है या फिर जहर के कुछ हिस्से रह जाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। पशु में जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे पशु का दूध भी कम हो जाता है और पशु चारा पानी भी कम कर देता है, जिससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है पशुपालक को। दोस्तों इनोलॉन के सीधे सरल शब्दों में उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जहर के अटकने पर किया जाता है और इसका उपयोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन प्रजनन पथ के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है और दोस्तों इसका उपयोग रिपीट ब्रीडिंग में किया जाता है। दोस्तों इनोलॉन की डोज की बात करें तो आप अपने बड़े पशु जैसे गाय और भैंस जिनका बॉडी वेट लगभग 300 से 500 किलो तक हो उनको आप ये पहले दिन लोडिंग खुराक 200 ml की देनी है और उसके बाद लगातार 3 दिन तक 100 ml पर डे देना है। दोस्तों अगर आपके पास छोटे पशु है तो उनमें आप पहले दिन 100 ml की लोडिंग खुराक देनी है और उसके बाद लगातार 3 दिनों तक प्रतिदिन 50 ml अपने पशु को पिलानी है। दोस्तों इनोलॉन का इस्तेमाल प्रेग्नेंट पशुओं में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं करना चाहिए, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, इसका इस्तेमाल केवल पशु के ब्याने के बाद करना चाहिए।